चलिए बाजार तो हम लोग पहुंच गए दोस्तों। देखिए कितना बड़ा बाजार लगता है, ये देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, अपना दुकानदारी लगाते हैं। तो बाजार में हम लोग बैठ गए हैं दोस्तों अरहर और कच्चू लेकर के बेचने के लिए। देखिए पूरा एकदम फ्रेश अरहर लाए हुए हैं। आज बाजार पूरा एकदम ठंडा लग रहा है दोस्तों, आज कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। आइए आइए चाचा चाची, अघन में होने वाला अरहर लीजिए, अरहर लीजिए। तो चाचा जी से तो पहला बोहनी हो गया दोस्तों, और अभी देखिए फिर चाचा जी आए हुए हैं। अरे वाह। हेलो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने काम में खुश रहे। दोस्तों सुबह हो चुका है, सुबह सुबह देखिए हम लोग चाय बन रहा है गर्म गर्म। आप बनने ही वाला है। हाँ। और थोड़ा सा डाबकेगा और रेडी हो जाएगा। सुबह सुबह लाइन कटाल है, इसी के लिए हम लोग चाय बना रहे हैं चूल्हा में। देखिए रंगीला पापा भूख रहे हैं, आपको गुटा गया है। थोड़ा एक दो दिन बारिश हुआ है ना, तो उसी से भींग गया है लकड़ी सा। और इधर देखिए रश्मि उठ गया है, अभी चाय पिएगी। क्या रश्मि नहीं पिएगी? अच्छा तरह से जल गया है, देखिए अभी चाय बन रहा है, टपक रहा है। पूरा खोल गया है और थोड़ा सा खोलेगा उसके बाद उतार देंगे। चाय तो बन गया है, अभी नहाते हैं, अब उसको देते हैं रंगीला पापा को, पापा सबको और मम्मी सबको। इधर रश्मि देखिए गुस्सा में बैठ गया है, चाय खोज रहा है। सबसे पहले रश्मि दे रहेंगे, लो रश्मि। चाय मत दीजिए बच्चा लोग को। तो कप गिलास में चाय डाला गया है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग पीते हैं। पहले पिताजी को दे देते हैं, उसके बाद ना हम पियेंगे। लीजिए सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए। चाय का आनंद लेते हैं हम भी, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं दोस्तों ऐसा ठंडा के मौसम में। ये देखिए कितना मस्त एकदम मौसम बनाया हुआ है आज। देखिए आज धूप वगैरह नहीं है और लग रहा है कि उगेगा भी नहीं, पूरा आज एकदम बारिश का मौसम बना दिया है। तो चाय पीते हैं गर्मा गर्म। एकदम स्पेशल वाला एकदम चाय बना हुआ है, क्योंकि गोलकी अदरक इसमें सब डाला हुआ है ना, कविता जी डाले हुए हैं, मजा आ रहा है पीने में। तो चाय पानी हम लोग पीजिए दोस्तों, और अभी हम लोग आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। देखिए कितना सारा बर्तन हम लोग फुलाए हुए हैं, ये सब पूरा रगड़ते जाएंगे कविता जी, हम धोते जाएंगे है ना जी। चलिए फटाफट रगड़िए, ये सब फूल गया है पूरा बढ़िया तरह से। देखिए ये सब बर्तन बढ़िया तरह से कविता जी रगड़ लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसको टाप में भर देते हैं। इसी टाप में पानी भरेंगे दोस्तों और सारा बर्तन को ऊपर डाल देंगे, धुलते जाएगा, हम रगड़ते जाएंगे। वैसे में जल्दी होता है, नहीं तो ऐसे में सूखा जाएगा, तो फिर हमको रगड़ने में टाइम लग जाएगा। तो पानी को यहीं पर डाल देते हैं, थोड़ा सा पकड़िए जी, ये पानी को उछल देते हैं। चलिए ना अभी उछालिए, उसके बाद में फिर मसल चालू करके बाहर लगे। तब तक हम का बर्तन वगैरह सब धोया जाएगा क्या, सारा बर्तन ये सब खाली हो जाएगा, उस समय पानी हम लोग भर लेंगे फिर से। तो सब बर्तन सब डाल देते हैं दोस्तों टाप में, कितना बड़ा टाप है, बर्तन डाल देंगे तो नहीं होगा और बढ़िया से धोया भी जाएगा। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, काम हो गया पानी। देखिए इतना पानी डाल दिए, अब बर्तन धोने में मजा आएगा, अब छल छला के धोएगा। तो फटाफट इसी तरह से धोते हैं दोस्तों, सारा बर्तन हम धोते जाते हैं, उधर कविता जी रगड़ रगड़ के देते जाएंगे क्या जी। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के सब बर्तन धो लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग। चलिए जी चलिए रखिए। तो अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, सब्जी बनाते हैं। आज क्या बना रहे हैं जी? आलू भुजिया। अच्छा आलू का भुजिया बनाइएगा। चलिए देखिए इधर कविता जी कढ़ाई वगैरह सब चढ़ा करके रखे हुए हैं, यहाँ पर तेल भी डाल दिए गर्म होने के लिए। देखिए आलू बढ़िया तरह से काट लिए हैं दोस्तों, छोटा छोटा भुजिया बनाने के लिए, और अभी मिर्चा का फोरन देने के लिए टुकड़ रहे हैं। मार भात बन गया। और आज हम लोग का बना हुआ है दोस्तों मार भात, और आलू का भुंजा बनने जा रहा है। देखिए इधर मार भात बन करके रेडी है, ये देखिए। चलिए आप डाल दीजिए आलू। होगा तो हाँ आपने भुंजा जाएगा जी।
तो अब चलते हैं दोस्तों, हम चलाते जाते हैं, कविता जी डालते जाएंगे, हम इधर चलाते जाएंगे। चलिए फटाफट डालिए। तो खाना पीना हम लोग का बन गया है दोस्तों, और देखिए अभी बच्चा सब खा रहे हैं। और इधर देखिए रंगीला बाबू को, रंगीला बाबू भी आज आ गया है हमारे फुआ घर से और अपना दादी घर से ना बाबू। आज हमारे फूफा जी नहीं आए हुए हैं, मिस्त्री लोग के साथ में आ गया है ना बाबू। फूफा जी का आज कुछ जरूरी काम था इसलिए आज वो नहीं आए काम पे, मिस्त्री लोग आज आए तो उन्हीं लोग के साथ में ही आ गया। हम सोचे कि नहीं आएगा लेकिन देखिए आ गया एकदम, क्योंकि सबको पहचानता है ना, तो पूरा एकदम घोल मिल के सबके साथ में रहता है, तो इसको अनाड़ी टाइप का नहीं लगा। आराम से मिस्त्री लोग के साथ में गाड़ी बैठाया और आ गया। और अभी देखिए अभी रंगीला बाबू कुर्सी में बैठ करके खाना खा रहा है इत्मीनान से। क्या बाबू दादी घर में क्या क्या खाया? अच्छा अच्छा फोकना से खेला और केक खाया और आम जामुन खूब खाया ना। अच्छा तो खाना पीना तो बन ही गया है दोस्तों, तो चलते हैं थोड़ा नहा धो लेते हैं, उसके बाद में आकर के खाना पीना खाते हैं, है ना जी। चलिए बच्चा लोग को तब तक खिलाइए, हम आते हैं नहा धो करके। तो हम चलते हैं दोस्तों, फटाफट नहा धो करके आते हैं। तो नहा धो करके फ्रेश हो गए दोस्तों, अब चलते हैं खाना पीना खाते हैं, इधर ही बैठते हैं। कविता जी अभी खाना लगा रहे हैं, देखिए नहा धो ली तो पूरा एकदम फ्रेश लग रहा है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा लगता है ना, गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है और मौसम पल पल में चेंज होते रहता है, कभी धूप दे देता है, कभी ठंडा कर देता है, कभी हवा तूफान चलने लगता है, तो काफ़ी जो है मौसम परिवर्तन होते रहता है, तो उसी से पूरा एकदम गर्मी वगैरह लगता है। तो नहा धो करके पूरा रेडी हो गया, तब बढ़िया लग रहा है। देखिए इधर से कविता जी खाना ले करके आ रहे हैं, चलिए लाइए जी मार भात और आलू का भुंजिया का मजा लेते हैं। हल्का डालिएगा। तो नमक वगैरह सब डाल दिए दोस्तों कविता जी, अब चलते हैं फटाफट खाना खाते हैं। तो खाना पीना हम लोग खा लिए हैं दोस्तों, और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और अभी हम लोग बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। देखिए अरहर वगैरह सब निकाल लिए हैं, देखिए कितना फ्रेश अरहर है, ये देखिए एकदम ताज़ा दिख रहा है एकदम, है ना जी। और खन 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 एकदम बज रहा है, ये देखिए पूरा साफ करके हम लोग रखे हुए हैं, पूरा एकदम सूखा उखा करके। और हम लोग इसको इसलिए बेच रहे हैं दोस्तों क्योंकि ना पूरा एकदम बारिश का सीज़न आ गया है, तो इसको जितना दिन रखेंगे उतना जो है ये चीनना शुरू हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको निकाल ही देते हैं। और अभी बिहीन का भी एकदम सीजन चल रहा है दोस्तों, यही मौसम में छींटते हैं ये सबको, इसीलिए हम लोग सोचे दोस्तों अभी अगर इसको बेचेंगे तो अच्छा रेट में बिक जाएगा, पूरा एकदम अभी बिहीन के रेट में चला जाएगा, अभी लगभग जो है 100 रुपया केजी चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि आज बाज़ार भी एकदम पूरा बड़ा बाज़ार लगता है और पूरा दूर दूर के व्यापारी सब आते हैं ले जाने के लिए, और गाँव वाले लोग भी आते हैं ये सबको ले जाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग बाज़ार अभी निकलने वाले हैं। देखिए इसके साथ में ये वाला भी ले जा रहे हैं दोस्तों, ये कच्चू का बिहीन है, देखिए ये भी यही सीजन में रोपते हैं इसको भी, इसीलिए इसको भी लेकर के जा रहे हैं, आधा रोपे हुए हैं और आधा बच गया है इतना सा, तो सोचे कि ऐसे ही अगर इधर उधर फेंका जाएगा, अभी तो इसको खाने का चीज़ है नहीं तो इसको खाएंगे, तो ये बिहीन अभी लगाने का सीज़न है और ये भी लगा देंगे तो पूरा एकदम बढ़िया होगा, इसलिए हम लोग जोगा करके रखे हुए थे, तो हम लोग को जितना लगाना था उतना लगा दिया, उसके बाद में जितना बच गया उसको हम लोग सोचे हैं कि इसको बाज़ार में ले जा करके बेच देते हैं। तो सारा चीज़ निकाल ली है दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट इसको बांधते हैं और ले करके चलते हैं, क्या जी। चलिए देखिए पहला भी ले लिए हैं और किलो डलसी भी ले लिए हैं, जिससे लोग को पसंद आएगा उसी से देंगे, ये भी इसे किलो का ही इसमें नाप दिया हुआ है, एक पहला यानी कि 1 किलो होता है, इसलिए हम लोग पहला भी ले लिए हैं और किलो डलसी भी ले लिए हैं, लेकर के अब चलते हैं हम लोग सीधे बाज़ार निकलते हैं। चलिए बांधिए। तो सारा तैयारी हम लोग का हो गया है दोस्तों, देखिए सब कुछ रेडी कर लिए हैं, देखिए डलसी किलो भी ले लिए हैं, वहाँ पर डाला हुआ है, किलो डाल दिए ना जी। चलिए पहला यहाँ पर डाला हुआ है, अब चलते हैं हम लोग सीधे बाज़ार निकलते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग बाज़ार निकलते हैं, चलिए जी उठाइए। चलिए ठीक है लक्ष्मी, घर में रहना है ना, हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, चलिए जी आराम से उठिए। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और अभी बारिश वगैरह का मौसम नहीं बनाया है, जल्दी से गाड़ी में लोड करते हैं और चलते हैं। देखिए पूरा फ्रेश धूप उगा हुआ है, देखिए आज एकदम पूरा एकदम
अच्छा मौसम किया हुआ है बाजार के लिए। तो हम लोग आ गए दोस्तों अभी नए वाले घर तरफ। अब यहाँ से गाड़ी निकालेंगे और गाड़ी में लोड करके सीधे चलेंगे बाजार। देखिए इधर गाड़ी खड़ी कर देते हैं छाया में। लाइए जी रखिए। बस एक नंबर हो गया। अब झोला को टांगते हैं। चलिए हम लोग का बाजार का तैयारी करते करते 300 पार हो गया दोस्तों। अब फटाफट सीधे चलते हैं बाजार। आज हम लोग इसी रास्ते में जाएंगे दोस्तों, पहाड़ी रास्ते से। इधर से शॉर्टकट पड़ता है तो एकदम अभी तुरंत पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में। देखिए कितना जबरदस्त चढ़ाई है एकदम। और देखिए बारिश होने के कारण से कितना ज़्यादा रास्ता ख़राब हो गया है। ये देखिए ये सब पानी वगैरह बहता है ना, उस समय रोड टूट जाता है। देखिए हम लोग को कैसे कैसे रास्ता में जाना पड़ता है। तो इधर से शॉर्टकट पड़ता है इसीलिए इस रास्ता में जा रहे हैं। देखिए डैम कितना ज़्यादा भरा हुआ है दोस्तों। ये देखिए पूरा पानी ही पानी दिख रहा है। देखिए पहाड़ी साइड का रास्ता देखिए पूरा पानी में ही सब खराब हो गया है रास्ता सब। तो बाजार हम लोग पहुँच गए दोस्तों। अब चलते हैं गाड़ी इधर ही खड़ी करते हैं। देखिए और भी लोग गाड़ी खड़ी किए हुए हैं, हम लोग भी गाड़ी साइड में रहेगी। तो गाड़ी साइड में लगा दिए हैं दोस्तों। अब इसको उतारते हैं नीचे। लीजिए जी पकड़िए। हाँ तो उसको रख दीजिए ना। चलिए कमे है जी लेकिन बहुत ज़्यादा वजन लगता है, चावल जैसा वजन है इधर। चलिए बाज़ार तो हम लोग पहुँच गए दोस्तों। अब चलते हैं सब्जी मार्केट तरफ, है ना जी, उधर ही बैठ करके बेचेंगे। देखिए कितना बड़ा बाज़ार लगता है। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। और इधर चप्पल जूता सब बिकता है दोस्तों। देखिए इधर राशन का भी सामान बिकता है। देखिए इधर सब्जी वगैरह सब रखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम हरा हरा ताज़ा ताज़ा सब्जी लेकर के आते हैं किसान लोग बेचने के लिए। देखिए कितना बड़ा बाज़ार लगा हुआ है। तो पूरा बाज़ार में जगह ढूंढने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिला हुआ है दोस्तों, यहीं पर हम लोग रखते हैं। आइए जी आइए यहीं पर रखिए। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, अपना दुकानदारी लगाते हैं। देखिए इधर चाचा जी आए हुए हैं। ये 100 रुपया के जी। हाँ कैसे ले भाग, बोलबो तो घर आके को बात। 100 रुपया कैसे ले भाग। तो बाजार में हम लोग बैठ गए हैं दोस्तों अरहर और कच्चू लेकर के बेचने के लिए। देखिए पूरा एकदम फ्रेश अरहर लाए हुए हैं। ये देखिए सब खोल लिए हैं और इसको मोड़ दिए हैं। और इधर देखिए कच्चू का भी झोला जो है खोल लिए हैं। लीजिए 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 100 रुपया 100 रुपया। हाँ किलो 100 रुपया, कोयला में लाए चाहे किलो लाए एक यहाँ। आइए आइए ये 30 रुपया। हाँ कैसे ले भाग इधर। आइए आइए अरहर लीजिए अरहर लीजिए, पूरा एकदम दानेदार अरहर लीजिए। आज बाजार पूरा एकदम ठंडा लग रहा है दोस्तों, आज कोई भी नहीं पूछ रहे हैं। एक दो को पूछते भी हैं तो लोग चले जा रहे हैं पूछ करके, क्योंकि 100 रुपया से कम में बिकता ही नहीं है। और हम लोग 100 रुपया बता दिए हैं तो फिर भी लोग को पसंद नहीं आ रहा है। हम लोग को गाँव में घर तरफ बिकता है इतना में, है ना जी। लेकिन हम लोग बाज़ार ले करके आ गए, सोचे कि यहाँ पर जल्दी बिकेगा इसीलिए, लेकिन यहाँ पर बिकता ही नहीं है। आइए आइए अघनुआ अरहर लीजिए, अघनुआ 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 वाला अरहर 100 रुपया देवन। एकदम थोड़ा सा चीनल नहीं मिलते कहूँ खाली, यहाँ एकदम पूरा बीजा वाला लागौन देखा। ऐसे तो 30 रुपया में बेचला ही यार। आइए आइए चाचा चाची अघन में होने वाला अरहर लीजिए अरहर लीजिए 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 अघन में होने वाला अरहर लीजिए। आइए आइए राहर लीजिए चाचा चाची आइए अरहर लीजिए। आइए चाचा चाची आइए आइए अरहर लीजिए बीज के लिए अरहर लीजिए। आइए आइए चाचा चाची आइए आइए कचू लीजिए पेक्ची लीजिए। ले लाए 25 रुपया किलो पेक्ची।
कैसे किलो हो गया सारू पुतिया? पच्चीस रुपया दे, पच्चीस रुपया किलो। हाँ उल्टा 100 रुपया किलो रहा है। हाँ मैंने तुहन आप कहा पूरा बोरवाई 25 टका दे दे तो तुहन का कहना काम लागो। तो इतना देर से चिल्लाने के बाद में भी बोहनी होने जा रहा है दोस्तों। अंकल जी अभी कच्चू ले रहे हैं 2 केजी, अंकल से ही बोहनी हो रहा है। चलिए लीजिए अंकल जी, 1 किलो हो गया। सोभेन ले लाख हो कतरी लगाओ भाग आइए आइए दानेदार अरहर लीजिए, पूरा एकदम ताजा अरहर लीजिए, अगहन में होने वाला अरहर लीजिए। आधा किलो बेसी है तो बराबर है लोन तब किना मुड़ी हन फूला तो नहीं ले ले आई हो। तो चाचा जी से तो पहला बोहनी हो गया दोस्तों, और अभी देखिए फिर चाचा जी आए हुए हैं। अरे वाह, कच्चू लेने के लिए। देखिए चाचा तो हम गलत बोल रहे थे कि 1 किलो से ज्यादा होगा बोले थे ना, और 1 किलो से ज्यादा हुआ ना। 1 किलो जमीन में गाड़ी दे भाग नहीं कने से आँख बन जाते सब, भगवान सब समझ लेते धरती माता। अगहन में पकेला दानवा दे के नहीं जाना है। हाँ फोटो कैसे जानते ला? तो जितना कच्चू लाए थे दोस्तों सब भी किया है, और देखिए कच्चू का बेचा हुआ पैसा इतना हुआ है। ये देखिए सब जमा 60 रुपया है, और आहार एक भी नहीं बिका दोस्तों। देखिए जैसा लाए थे वैसा ही है। अब इसको बांधेंगे और सीधे चलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और चिला चिला के पूरा एकदम गाला एकदम सूख गया। अब हम चिला नहीं पाएंगे, अब सीधे चलेंगे घर, है ना जी। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ बैठ करके। तो आज हम लोग का नसीब ख़राब था दोस्तों, देखिए थोड़ा सा भी राहर नहीं बिका। तो अब सारा सामान डालते हैं दोस्तों, अब पैकिंग करते हैं। चलिए इसको यहीं पर डाल दीजिए, नहीं इसको यहीं पर ले लेंगे, छोड़िए इसी को बांध दीजिए। तो सारा पैकिंग हो गया है दोस्तों, अब उठाते हैं और निकलते हैं, लक्ष्मी को मिठाई वगैरह ले देते हैं, उसके बाद में सीधे घर चलते हैं। चलिए जी उठाइए, नीचे पकड़िए, नीचे पकड़िए, चलिए ना गाड़ी तक, उसके बाद में फिर गाड़ी में लोड कर लेंगे और तो घर जाना है। तो आज का बाज़ार हम लोग के लिए बहुत ही ख़राब रहा दोस्तों, क्योंकि हम लोग का अरहर एक भी नहीं बिका एकदम। तो अब हम लोग को निराश होकर करके जाना पड़ रहा है घर। अब चलते हम लोग सीधे घर निकलते हैं, लक्ष्मी के लिए मिठाई वगैरह कुछ कुछ ले लेते हैं, है ना जी, उसके बाद में चलेंगे। कच्चू जितने लाए थे सब बिक गया, लेकिन अरहर नहीं बिका। बड़ी हम लोग सोच करके लाए हुए थे कि बिकेगा, है ना जी, लेकिन आज बाज़ार पूरा ठंडा है दोस्तों, बिहान कोई ले ही नहीं रहा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मिठाई वगैरह ले करके सीधे घर। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।